सो वेलकम बैक गाइस अगेन। अभी अपन आ चुके हैं यहाँ पर और ये दूसरा खेत, मतलब अपन आ चुके हैं, अभी दो ही गड़े कटे हैं, तीसरे में मशीन डाली और यहाँ पर कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं, मतलब पानी भरा है यहाँ तो गड़े में, तो ये तो कटने से रहा। अभी अब उधर मशीन डाली है, देखते हैं उस गड़े में, वो तो इसमें पानी है तो इसके नीचे वाला ही है, मतलब 90% चांसेस है कि उसमें भी ऐसी कंडीशन निकलने वाली है। सो देखते हैं आगे, ये ऐसी कीचड़ निकल रही है बिल्कुल, कुछ पानी भरा वैसे कट सकता है, देखते हैं बाद में ट्राई करवा के उससे बोलेंगे कि कुछ जितना हो सके देख ले जहाँ तक मशीन ना फंसे। अपन जब तक इस कोने में चलते हैं, इधर देखते हैं नीचे तरफ पानी है कि, इधर तो ये वाला गड़ा भी अच्छा थोड़ा गीला, पानी आया कहाँ से लेकिन समझ ये नहीं आ रहा, जब पूरा ये सूखा है। अरे इनके खेत का आ रहा है ये देखो, ये इधर तो पानी पानी हो रहा, अरे इनने कर दिया कचरा, इनने यहाँ पानी भर के रखा है इस कारण अपने खेत में पानी आया है यार, ये इनने तो पूरा पानी भरा, जब तो अपने खेत में अब ये भी नहीं कटेगा इधर इधर तो। चलो ऐसे कीजिए, अब यहाँ देखो बिल्कुल ये जहाँ है तो सब बिल्कुल सूखी है, लेकिन इनका जो पानी आया उसके चक्कर में दरार ही दरार में पानी चल गया है। हॉलैंड कती थी, ये ट्रैक्टरों का राजा है।
नीचे ही नीचे पानी चल गया। ऊपर से जमीन ठोस दिख रही है और जैसे ही टायर जा रहे हैं तो वैसे ही पानी आ जा रहा है। दूसरा बासमती PB1 इसको कहते हैं राजा, ये नहीं दबदा। अगर ये दब गया तो गाली पड़ेगी। है थोड़ी सी है, थोड़ा आगे ही कर ले। बस बस बस, जगह नहीं है। पड़ोसी ने अगर इतने सी ना कराई होती तो इतनी दिक्कत ही नहीं जाती। कब के खेत सूखे थे, उसको क्या पड़ी थी पानी भरने की। जाने दे, नहीं जाएगा यार ऐसे न। इसको कहते हैं राजा, दूसरी बार बोल रहा हूँ, दूसरी बार।